जा रहे हैं, अच्छी बात है, उनको ये पता हो जाएगा कि कौन कौन लोग आ रहे हैं, कौन कौन लोग को हमने व्हीकल को जो है आने की परमिशन दिया है, ये अच्छी बात है। चूँकि बात यह है, देखिए सिक्योरिटी का मामला जो होता है, इंटरनल सिक्योरिटी का मामला, वो प्रोक्टोरियल टीम के पास होता है, प्रोक्टर ऑफिस में होता है। उनको चाहिए कि अगर वो कर रहे हैं तो हम उनका कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ये भी उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, फिर इलीगल कोई ना आए और इलीगल कोई चोरी ना हो, पर्स छिनैती ना हो, कहीं कोई गोलीबारी ना हो, कोई बाहरी आकर के कोई तांडव ना करके जाए, ये जिम्मेदारी उन्हीं की है। तो इस पे भी उनको ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर हम पास दे रहे हैं और लड़का पास ले रहा है या एम्प्लाई पास ले रहा है या टीचर और सारे लोग ले रहे हैं, अगर पास ले रहे हैं और वो लोग जा रहे हैं, उनको कोई मुसीबत भी ना हो कि अगर कोई बाहर का आ रहा है और न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी भी प्रोक्टोरियल टीम को होनी चाहिए कैसे वो इंटर करने दे रहे हैं। जिस तरह से ये माना जा रहा है कि 15 दिसंबर को जो एएमयू में हुआ था उसमें बाहरी तत्व शामिल थे, अगर ये कार्ड अगर इशू होते तो शायद ऐसा ना होता। कार्ड चेक करने वाला कौन है? प्रॉक्टर। जब प्रॉक्टर ही नहीं मौजूद थे तो चेक कौन करता वहाँ पर? प्रॉक्टर खुद ही पीछे खड़े थे। गाइड कौन करने वाला है? गार्जियन कौन है? टीचर है यहाँ का। प्रॉक्टर कहीं ना कहीं टीचर भी हैं, प्रॉक्टोरियल टीम टीचर है। अगर वो खड़े होते, गार्जियन की हैसियत से खड़े हो जाते, हमारे माँ बाप की हैसियत के साथ खड़े हो जाते, कोई भी लड़का बाईपास करके नहीं जाता, वाइस चैनल रजिस्ट्रार खड़े हो जाते, वो कह देते कि लाओ मैं तुम्हारी क्या बात है, लाओ मैं बक करता हूँ चल करके एडमिनिस्ट्रेशन से, एक बार को वो फौरन पीछे चले जाते। लेकिन जब आप बीच में आएंगे नहीं, आप बात नहीं करेंगे बच्चों से और उनको छूट दे देंगे और लीडरलेस हो जाएगी भीड़, तो उनको जो समझ में आएगा वो करेंगे, उनको जो समझ में आया उस वक्त वो नुकसान हुआ और उसका भरपाई ये हुआ कि पूरा यूपी झेल रहा है और पूरा देश झेल रहा है। तो कहीं ना कहीं एएमयू जो इंतजाम यहाँ है उसी का फेलियर पूरी तरीके से कम्प्लीटली, जो स्टेट में हुआ, पूरे देश में हुआ, कुछ भी हुआ, हंगामा हुआ, ये इसमें फेलियर सबसे ज़्यादा एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन का हुआ। अगर वो चाहते तो इस चीज़ को रोक सकते थे। मैं लीडर हूँ, अगर स्टूडेंट लीडर हूँ तो मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि ऐसी मुसीबत में हम अपने स्टूडेंट के साथ खड़े हो जाएं और आगे खड़े हों। अगर गोली चले तो सबसे पहले गोली हम खाएं, अगर कोई मुसीबत आए तो सबसे पहले हम झेलें, अपने छोटों को नहीं होने दें, छोटों को समझाएं कि ये गलत है, छोटों को ये बताएं कि जो है वो हम उनको छोड़ करके भागेंगे नहीं, हम उनको तब तक के मनाएंगे जब तक के उनको कहें कि ये गलत है तरीका। लेकिन अगर हम उनको छोड़ देंगे तो फिर गलत हो जाएगा। ये व्हीकल पास स्टाफ और जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए, उनके लिए हो रही है। पहले भी ये पास प्रैक्टिस है, बीच में कुछ दिनों के लिए मतलब कि ये था कि नहीं हो रही थी, अब इसे फिर से अमल में लाया जा रहा है। नहीं नहीं, मतलब कि लोगों के पास थी और जाहिर सी बात आपको पता है कि हर यूनिवर्सिटी में और हर ऑर्गेनाइजेशंस में आपके व्हीकल पास मस्ट होते हैं, आपको मालूम है। और ये पहले ये था कि साइकिल स्टैंड पासेस होते थे, ओके, तो अब उसी का है वो सब चीज़।